हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। मेरा नाम तो आप ऑफ कोर्स जानते ही हैं, मेरा नाम मनीषा है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अमेजिंग इंडिपेंडेंट फ्लोर। तो जिस लोकेशन पे आज हम आए हैं ये बहुत डिफरेंट लोकेशन है। आज हम आए हैं पंचकुला में, पंचकुला के सेक्टर 7 में हम आज आपको लेके आए हैं, जो कि पंचकुला का बहुत पोश एरिया है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करें, मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। गुरुद्वारा, मंदिर, मार्केट सब आपको नियर बाय मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं गुरुद्वारा ये आ गया। जो मार्केट की अगर मैं बात करूँ, इसके बैक साइड पे मार्केट आ जाती है। मंदिर की बात करूँ, मंदिर भी पास में आ जाता है। तो सारी डेली नीड्स का जो आपका सामान है, लाइफस्टाइल में जो आपको चाहिए रहता है, उसके लिए मार्केट से बैक साइड पे है, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हम हमारे इंडिपेंडेंट फ्लोर की। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार का। आप एलिवेशन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलिवेशन की, तो यहाँ पे एलिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग एलिवेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मैं बात करती हूँ अगर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको सिक्योरिटी मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कैमरा, एक वो कैमरा अंदर, दो कैमरा मिल जाता है, तो कैमराज यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आपको कोई ऐसे टेंशन नहीं होगी कि हाँ हमारे घर पे चोरी हो गई या कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्किंग एरिया की। ये बर्म देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स एरिया बहुत पोश है, बहुत पोश एरिया में आए हैं, तो बहुत फील भी बहुत अलग होगी यहाँ पे। आप देख सकते हैं आसपास का एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो प्रॉपर डेवलप एरिया हम जो कि आज आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं। तो सीधा यहाँ से अंदर चलते हैं। सबसे पहले अंदर भी हम पार्किंग की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे भी आपको अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ ये देखिए, ये स्टिल्ट की पार्किंग आ जाती है। यहाँ पे एरिया तो हमने देख लिया है और मैं आपको बता दूँ, 4 स्टोरी ये है। जो फर्स्ट फ्लोर है वो बिक चुका है एंड बाकी 3 स्टोरीज अभी भी अवेलेबल हैं। देन उसके बाद ना मैं आपको दिखा देती हूँ स्टोर रूम। गाइस, पर फ्लोर एक आपको स्टोरेज के लिए स्टोर रूम मिल रहा है एंड देख सकते हैं आप पार्किंग एरिया में ही आपको आपका सेपरेटली स्टोर मिल जाता है यहाँ पे। देन उसके बाद हम वॉशिंग एरिया की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये वॉशिंग एरिया यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा सा मेस है, अभी काम चल रहा है गाइज यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे मेस है। तो देखिए, आपको मैं अभी बता दूँ, अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं और आपको पसंद आया है, तो नीचे दिए गए नंबर से हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा ना आपको इंतज़ार करवाते हुए सीधा चलते हैं फ्लोर के अंदर। तो लिफ्ट से चले या स्टेयर्स यूज़ करें गाइज, तो चलिए हम लिफ्ट यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज, हम पहुँच चुके हैं हमारे सेकेंड फ्लोर पर। तो सेकेंड फ्लोर पर सबसे पहले मैं आपको स्टोरेज की एक और कमाल सी जगह दिखा देती हूँ। आपके सीधा घर के बाहर ही आपको शू रैक बोल लीजिए या कुछ, आप जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान है आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये है ना बहुत अमेजिंग सी बात, जो कि आपको आपके घर के बाहर ही सेपरेटली आपके फ्लोर पे आपको स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है। देखिए गाइज, अभी मैं आपको ज़्यादा ना इंतज़ार करवाते हुए सीधा आपको मैं हमारे इंडिपेंडेंट फ्लोर के अंदर लेके जाना चाहूँगी। उससे पहले आप देखिए, ये वुडन का बहुत ही अमेजिंग सा यहाँ पे आपको डोर मिल रहा है एंड साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ पे आपको लॉक के साथ डिजिटल लॉक मिल रहा है यहाँ पे गाइज, जो पासवर्ड के साथ है। तो इसमें आपको कोई की वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आ जाइए सीधा घर के अंदर। ये देखिए गाइज, फुल्ली लग्जरियस फीलिंग के साथ ये घर आपको मिल रहा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट घर। तो ये देखिए, ये आ जाता है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। जो ये एरिया देख रहे हैं, ये आ जाता है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। एंड अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग भी आपको वुडन की फॉल सीलिंग मिल रही है यहाँ पे। वुडन का बहुत ही अमेजिंग सा वर्क यहाँ पे किया गया है। और फॉल सीलिंग के साथ आपने एक और बात नोटिस की होगी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे शैंडलर आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल गाइज, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी आपको मिलेगा। तो पूरे ही घर में आप जो भी एक्सेसरीज देखेंगे, जो भी सामान देखेंगे, वो इंक्लूडेड है, वो आपको सब मिलने वाला है। देन उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ टीवी पैनल एरिया की। ये देखिए, टीवी पैनल एरिया यहाँ पर आ जाता है। तो पूरे घर में टीवी की फ़िटिंग करें या फिर एसी की फ़िटिंग कर लीजिए, कुछ भी फ़िटिंग की बात अगर मैं करूँ, तो सारी प्रोविजनिंग यहाँ पे की गई है ऑलरेडी। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको कबर्ड मिल जाता है, ये देखिए गाइस, ताकि आपका स्टोरेज के लिए कोई इशू ना हो आपको ऑफ कोर्स। तो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया तो हम देख ही चुके हैं।
देन उसके बाद चलते हैं सीधा, मैं आपको लेके जाना चाहूँगी आपके ओपन किचन में। आ जाइए, ये देखिए गाइज, ये है आपका फुल्ली मॉड्यूलर ओपन किचन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैबिनेट्स की, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं विद सॉफ्ट क्लोजर। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ चिमनी की, तो चिमनी भी आपको मिलने वाला है इंक्लूडेड ऑफकोर्स। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं। इतना अच्छा किचन हो और इसमें अगर स्टोरेज की प्रॉब्लम हो, किचकिच हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद आप ये स्पेस नोटिस कर रहे होंगे, तो ये है फ्रिज रखने के लिए आपकी स्पेस जो अलग से छोड़ी गई है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की, तो देखिए बहुत यहाँ पे देखिए गाइस, प्रॉपर आपका जो सामान है जो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग से कैबिनेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। और उसके बाद ना देखिए गाइज, आपको यहाँ से आपके किचन से आपके बालकनी की एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको आपका ब्रेकफास्ट टेबल भी मिल रहा है। अगर आप बहुत हरी में हैं और बहुत जल्दी है आपको, तो यहीं से खाना बना और यहीं पे आपने खा लिया, तो ये देखिए यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है। बाहर आपको दो एक्स्ट्रा सिंक मिल जाते हैं इन केस आपके घर पे काफ़ी सारे आपके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और रिलेटिव्स आ जाते हैं और काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो बाहर भी दो एक्स्ट्रा सिंक्स रखे हैं ताकि आपको कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम ऑफकोर्स ना हो। तो चलिए पहले यहाँ से हम बाहर चलते हैं। देखिए गाइज, ये हम पहुँच चुके हैं हमारी बालकनी में। ये देखिए यहाँ पे दो सिंक्स मिल जाते हैं गाइज, आपको प्रॉपर स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है। काफ़ी सही सी जगह है ये, बिल्कुल ही स्टोरेज आपका स्टोरेज का ध्यान रख कर ये बनाया गया है। प्रॉपर जो वॉशिंग एरिया बना कह लो, और देखिए यहाँ पे प्रॉपर टैप्स दिए गए हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दो एक्सेस मिल रही है आपके बालकनी की, एक तो हमने किचन से जहाँ से हमने एंट्री की है, और एक यहाँ से, ये आपके ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से डायरेक्ट, एंड एक है बेडरूम से। तो बेडरूम से हम बाद में देखेंगे, तो अभी वापस किचन से अंदर चलते हैं। तो जैसा कि हम किचन देख चुके हैं एंड बालकनी हमने देख ली है, वॉशिंग एरियाज जो प्रॉपर, हमने सिंक्स वगैरह जो भी बात करें तो सब प्रॉपर हम देख चुके हैं। तो गाइज अगर मैं बात करूँ डोर्स की, तो यहाँ पे देखिए आपको एक मैश डोर मिल रहा है एंड एक ग्लास का डोर आपको मिल रहा है, तो दो दो आपको यहाँ पे डोर्स मिल रहे हैं। अब बारी आती है हमारे बेडरूम्स को देखने की, तो चलिए सीधा बेडरूम में चलते हैं। ये देखिए ये पहला बेडरूम आ जाता है आपका, और अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो काफ़ी स्पेशियस साइज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है आपके बेडरूम का। एंड फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो विद LED लाइट्स आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है। और ये देखिए गाइज, यहाँ पे आपको कबर्ड्स मिल जाते हैं, वार्डरोब्स, ताकि आपको कोई स्टोरेज का इशू ना हो ऑफ कोर्स। और ये देखिए ये आ जाता है आपका टीवी पैनल एरिया। टीवी पैनल एरिया में भी काफ़ी सारे कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं ऑफ कोर्स, ताकि आपको यहाँ पे देखिए आप कोई भी साइज़ का अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद ना मैं आपको दिखा देती हूँ विंडो, तो ये देखिए गाइस ये विंडो आ जाती है आपकी, ये देखिए बालकनी की। ये देखिए मैं अगर बात करूँ यहाँ से एक्सेस की, मैंने बाहर से आपको बताया था कि यहाँ बालकनी में जाने की तीन तीन एक्सेस है, एक किचन से, एक ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से, एंड थर्ड वन इज़ दिस, यहाँ से आपके थर्ड बेडरूम, आपके फर्स्ट बेडरूम से, सॉरी। तो गाइज अब हमारे बालकनी और हमारे बेडरूम के बाद अटैच्ड वॉशरूम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है विद ग्लास की पार्टीशनिंग के साथ। ये देखिए ये ग्लास की पार्टीशनिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो उसके बाद सीधा चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो गाइस जो इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, वो देखिए इसका कॉमन वॉशरूम भी हमने बनाया है, ताकि कल को आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो देखिए यहीं से ही आपके वॉशरूम को यूज़ कर ले ऑफ कोर्स। तो यहीं से चलते हैं हमारा सेकंड बेडरूम देखने के लिए। आ जाइए, ये देखिए गाइस, ये है आपका सेकंड बेडरूम। डिसेंट साइज़ के साथ आपको आपका सेकंड बेडरूम मिल जाता है, और फॉल सीलिंग में भी आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। और ये देखिए ये है टीवी पैनल एरिया आपका, ये टीवी पैनल एरिया आ जाता है। तो ये देखिए गाइस, ये आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं ताकि आपका जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पर स्टोर हो जाए आराम से। देन उसके बाद हम हमारे कबर्ड्स देख लेते हैं, हमारे वार्डरोब्स। ये देखिए ये वार्डरोब्स आ जाते हैं,
यहाँ पे वार्डरोब्स काफ़ी अच्छे से फिट किए गए हैं, देखिए वॉल के साथ ही। इससे क्या होता है कि स्पेस बच जाता है आपके रूम का ना, यहाँ पे भी यही देखिए, तो स्पेस बच जाता है, इससे ज़्यादा स्पेस लेता नहीं है। और उसके बाद देखिए बालकनी, और अगर मैं बात करूँ इन बालकनीज की तो बहुत ही अमेजिंग, जैसे हमने हमारे किचन से देखा और हमारे अब बेडरूम से देख रहे हैं हम इन बालकनीज को, तो ये काफ़ी अच्छी बालकनीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और अगर मैं बात करूँ आसपास के एरिया की, तो आपका आप आसपास का एरिया भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही पॉश एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइज बालकनी हम देख चुके हैं, तो अब चलते हैं सीधा थर्ड बेडरूम को देखने के लिए। ये देखिए साथ में ही आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है यहाँ पे, ये देखिए गाइस, तो ये है आपका थर्ड बेडरूम। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी विद एलईडी लाइट्स आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, और ये आ जाता है आपका टीवी पैनल एरिया। यहाँ पे भी कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, एंड उसके बाद ये देखिए बालकनी, बालकनी की एक्सेस यहाँ से भी आपके इस बेडरूम से भी है। हमने जो हमारे सेकंड बेडरूम से देखा वो हमारे थर्ड बेडरूम से भी एक्सेस है। टीवी मैनल एरिया तो हम देख ही चुके हैं, तो ये देखिए कबर्ड्स आपको अंदर मिल रहे हैं। एंड एक और मैं दिखा देती हूँ आपको आपके ही बेडरूम के अंदर, ये देखिए यहाँ पर भी आपको कबर्ड मिल रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपका जो काफ़ी ज़्यादा अगर सामान है आपके पास और वो वाले जो वार्डरोब्स हैं वो कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप स्टोर कर सकते हैं आराम से। उसके बाद हम चलते हैं सीधा अटैच वॉशरूम को। अटैच वॉशरूम से पहले ये देखिए आपको यहाँ पे जो वार्डरोब हैं वो मिल रहे हैं, एंड एक मिरर आपको मिल जाता है, और ये आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम। यहाँ पे भी ग्लास की पार्टीशनिंग की गई है ये। तो गाइज ये था हमारा बहुत ही अमेजिंग इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि आज हमने आपको प्रेजेंट किया है। एंड अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमारी पसंद आती है एंड आप इसको बाय करना चाहते हैं सोल्ड होने से पहले ही, मैंने आपको बताया 3 फ्लोर्स अवेलेबल है सिर्फ इसमें, इसमें 4 फ्लोर्स थे जिसमें से एक तो सोल्ड हो चुका है और 3 फ्लोर्स अभी बचे हैं। एंड सेक्टर लोकेशन की मैं आपके साथ दोबारा बात कर लेती हूँ, लोकेशन है सेक्टर 7 पंचकुला, बहुत ही पॉश एरिया है ये पंचकुला का। एंड बाकी और अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारे से लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखें, हमारी वीडियोस को ऐसी देखते रहे, हमें ऐसी प्यार देते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।